गुड मॉर्निंग बच्चों, इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मेनली क्या होता है, वाटर साइकिल को ही हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। और इसमें हम वेरियस प्रोसेस जो वाटर साइकिल के लिए इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, परकोलेशन, एक्यूमुलेशन, ये सारे टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स वाटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ द अर्थ इज द सम ऑफ द ऑल प्रोसेसेस एज इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, परकोलेशन एंड एक्यूमुलेशन, इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम द लैंड एंड ओशन सरफेस टू द एटमोसफेयर एंड बैक इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड इज इक्वली अफेक्टेड बाई ओशन एंड लैंड सर्फेसिस, दोनों में ही बराबर के कर। तो मेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर है मेनली ओशन में ही मेनली प्रेजेंट होता है। तो वाटर, ओशन का वाटर सबसे पहले इवोपरेट होता है ड्यू टू द सन की हीट से। सारा वाटर जो सन की हीट पड़ने पर वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा, ओशन से इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने के बाद क्या होता है कि वाटर का क्लाउड बनता है। वो क्लाउड कैसे बनेगा, जैसे इवोपरेट होकर वाटर वाटर वेपर्स में आया, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर और जो भी करेंट्स है, वो उसमें टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा, क्लाउड्स फॉर्म हो जाएगा। क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद इसका क्या होगा कि क्लाउड फॉर्म होने के बाद उसका और टेम्परेचर डाउन होगा, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में नीचे वाटर रन ऑफ आ जाएगा। अब वाटर अगर प्लांट्स के फॉर्म में वापस जाता है, प्लांट्स से निकलता है, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो कुछ वाटर 95% वाटर जो होता है ट्रांसपरेट हो जाता है, यानी प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, केवल 5% वाटर को ही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, 95% को वो वाटर लॉस्ट हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसपरेशन बोलते हैं। फिर ट्रांसपरेशन होकर फिर वो कंडेंसेशन करके क्लाउड्स बनाते हैं, फिर अगेन ये प्रेसिपिटेशन होके सरफेस रन ऑफ में आएगा, सरफेस से अंडरग्राउंड रन ऑफ, या सरफेस रन ऑफ भी होगा, सरफेस रन ऑफ से डायरेक्ट रिवर लेक्स वगैरह में ओशन में चला जाएगा। लेकिन सरफेस रन ऑफ से, सरफेस से ही अंडरग्राउंड रन ऑफ भी होता है, तो अंडरग्राउंड रन ऑफ होके ये ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, तो अंडरग्राउंड रन ऑफ भी बोलते हैं इसमें। तो हम सरफेस वाटर रिसोर्सेज और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी इससे समझ सकते हैं। फिर ये जो सरफेस वाटर से अंडरग्राउंड रन ऑफ से, फिर ये टोटल सारा वाटर सरफेस रन ऑफ या एक्यूमुलेशन, तो एक्यूमुलेशन में वापस फिर से ओशन में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस बार बार चलता रहता है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन। नाउ डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, नंबर वन इज द इवोपरेशन। तो इवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट्स से इवोपरेट करते हैं अपने उसको वाटर को, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो दोनों ही को कंबाइंडली टर्म दिया गया है हमने यहाँ पे, इवो ट्रांसपिरेशन। तो हमने क्या टर्म दे दिया, इवो ट्रांसपिरेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन द टर्म इवो ट्रांसपिरेशन, तो हमें पता चले इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवो ट्रांसपिरेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द इवोपरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन। द सन विच ड्राइव्स द वाटर साइकिल, मेनली जो हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी वाटर साइकिल को ड्राइव करती है, हीट्स वाटर इन द ओशन, ओशन की हीट्स कर देते हैं वाटर को। सम ऑफ इट इवोपरेट्स एज वेपर्स इन टू द एयर, आइस एंड स्नो कैन सब्लिमेट। ठीक है, आइस एंड स्नो डायरेक्ट सब्लिमेट होकर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। राइजिंग एयर करेंट्स टेक द वेपर्स अप इन टू द एटमोसफेयर अलॉन्ग विद वाटर फ्रॉम फॉर्म इवो ट्रांसमिशन। तो क्या बन जाएगा, इवो ट्रांसमिशन विच इज वाटर ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट एंटर्स इन प्लांट्स बॉडी विल बी लॉस्ट बैक टू द एटमोसफेयर, इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। ठीक है, एंड इवोपरेशन मीन्स वाटर, जो वाटर का वाटर चेंज इन टू वाटर वेपर्स कॉल्ड एज इवोपरेशन। तो इवोपरेशन फ्रॉम द लैंड एंड ओशन, लैंड और ओशन में जो भी वाटर है वो वाटर वेपर्स में चेंज होता है, तो उसको इवोपरेशन बोल देंगे। प्लांट से जो भी वाटर वेपर्स फॉर्म में चेंज होगा, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोल देंगे। तो ये ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन दोनों को कॉमनली हम क्या कहेंगे, इवो ट्रांसपिरेशन। कंडेंसेशन, द वाटर वेपर्स राइज इन टू द एयर वेयर कूलर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, कूल हो जाएगा, देन इट बिकम्स इन टू कंडेंसर एंड इट फॉर्म ए क्लाउड्स, क्लाउड्स बना लेता है। एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एयर करेंट्स मूव क्लाउड्स अराउंड द ग्लोब, क्लाउड पार्टिकल्स कोलाइड, ग्रो एंड फॉल आउट ऑफ द स्काई एज ए प्रेसिपिटेशन फॉर्म में डाउनफॉल हो जाएगा। सम प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज स्नो एंड कैन एक्यूमुलेट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स।
तो सब प्रेसिपिटेशन के आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में होंगे विच कैन स्टोर फ्रोजन वाटर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर में वहां पर पड़े रहते हैं बहुत टाइम तक फ्रीज होते हैं. मोस्ट प्रेसिपिटेशन फॉल बैक इन टू द ओशन और ऑन टू द लैंड वेयर ड्यू टू द ग्रेविटी द प्रेसिपिटेशन फ्लो ओवर द ग्राउंड एज सरफेस रन ऑफ. ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ से सरफेस वाटर बनते हैं. अ पोर्शन ऑफ रन ऑफ एंटर्स रिवर इन वैली इन द लैंडस्केप विद स्ट्रीम फ्लो मूविंग वाटर टुवर्ड्स द ओशन. ठीक है, तो रिवर्स रिवर वैली से रिवर से या उस पर कैनल से जाएगा फिर वो डायरेक्ट किस में चला जाएगा धीरे धीरे ओशन में चला जाएगा. रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर सीपेज जो सरफेस रन ऑफ से आने के बाद ग्राउंड वाटर सीपेज ग्राउंड वाटर में सीप कर जाएगा यानी उसमें मूव कर जाएगा इन्फिल्ट्रेट करें एक्यूमुलेट एंड आर स्टोर्ड एज ए फ्रेश वाटर इन लेक्स. नॉट ऑल रन ऑफ फ्लो इन टू द रिवर. ठीक है, सारा रन ऑफ रिवर्स में नहीं जाएगा दो मच ऑफ इट सोक्स इन टू द ग्राउंड एंड इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है, धीरे धीरे सोक होकर ग्राउंड में चलेगा इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको. सम वाटर इन्फिल्ट्रेट डीप इन टू द ग्राउंड एंड रिप्लेनिश एक्विफायर्स. ठीक है, बहुत ज्यादा डीप तक ग्राउंड में चला जाता है उसके बाद रिप्लेनिश एक्विफायर यानी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में एक्विफायर्स के फॉर्म में आता है विद स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक्विफायर्स क्या होते हैं जो जो सरफेस सैचुरेटेड सरफेस रॉक पे ही मिलते हैं. मेनली क्या होता है हिली एरियाज में जो वाटर टेबल होता है वो बहुत लो होता है. वाटर को जो नापते हैं तो हम वाटर लेवल नहीं बोलते उसको हम क्या बोलते हैं वाटर टेबल बोलते हैं. ध्यान रखना वाटर की जो नीचे की डेप्थ को हम नापेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं वाटर टेबल. तो हिल एरियाज में वाटर टेबल बहुत कम होता है तो पानी बहुत ऊपर ही आता है तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा ये खोदने पर एक्विफायर्स के रूप में वहाँ पे पानी फ्रेश वाटर को हम निकाल सकते थे. पहले बहुत पहले इसको हम ऐसे एक्विफायर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लेकिन अब तो बहुत रेयर यूज़ करते हैं. लेकिन हाँ एक्वाफायर के साइंस में जो वाटर टैप्स हैं जैसे कि हम पीवीआर वगैरह में देखते हैं या किसी भी मॉल वगैरह में देखते हैं तो जो नया नए टाइप के वाटर टैप्स चल गए जिसमें पानी ऊपर से ऐसे करके दबाते हैं तो ऐसे करके एकदम से निकलता है यूँ करके निकलता है ना जो ऐसे जब से करते हैं तो ऐसे वाटर टैप नहीं करते ऐसे करके ऊपर से ही होता है वो एक्वाफायर का ही साइन होता है. उसमें वाटर ऐसे होता है जैसे हमने हल्का सा पानी खोदा और पानी खोदने के बाद वो इस तरह ऊपर से आ जाता है तो वो एक्वाफायर्स होता है. तो सम इन्फिल्ट्रेशन स्टेज क्लोज टू द लैंड सरफेस एंड कैन सीप बैक इन टू द सरफेस वाटर बॉडीज एट ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज एंड सम ग्राउंड वाटर फाइंड ओपनिंग टू द लैंड सरफेस एंड इमर्ज एज फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स ओवर टाइम दो ऑल ऑफ द वाटर कीप्स मूविंग सम ऑफ द रिएटर इन द ओशन. फिर सारा साइकिल होते होते किसमें दोबारा फिर से आ जाएगी ओशन में जाएगी. तो इस तरह पूरा वाटर साइकिल मूव अप होते रहते हैं. पहले वाटर हीटअप होकर इवोपरेट होगा प्लांट्स का भी वाटर हीटअप होकर इवोपरेट होगा इवोपरेट ट्रांसपरेट होगा इवो ट्रांसपरेशन होने के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा कंडेंसेशन प्रोसेस कंडेंसेशन बनने के बाद क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा प्रेसिपिटेशन से वापस फिर सरफेस रन ऑफ होगा ग्राउंड वाटर रन ऑफ होगा फिर एक्यूमुलेशन और परकुलेशन होगा वाटर फिर से एक्यूमुलेट होगा ओशन में मिल जाएगा. इस तरह पूरा साइकिल चलते रहेगी. तो इसमें बहुत से फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. मेनली देखो हाइड्रोलॉजिकल साइन ओजन स्टोरेज से एवोपरेशन क्लाउड स्टोरेज बनेगा और वाटर ये प्लांट से ट्रांसपरेशन फिर क्लाउड स्टोरेज से क्या होगा हीट से ट्रांसपरेशन के बाद प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन से क्लाउड बनेगा कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन के बाद लेक स्टोरेज में आएगा परकोलेशन होगा ग्राउंड वाटर बनेगा एक्यूमुलेशन होके ओशन में आके फिर से स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेशन हो जाएगा ओशन वाटर बन जाएगा. द वाटर साइकिल ड्राइव्स अदर साइकिल्स. अब ये वाटर साइकिल केवल वाटर को ही रिसाइकिल नहीं कर रहा है ये बहुत से फैक्टर्स को और ले रही है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर जो सॉइल्स में मिल जाते हैं फिर सॉइल से रन ऑफ होकर वाटर में आ जाता है तो उसको भी फैक्टर को शो करते हैं. तो वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स सेल्फ एंड पैटर्न ऑफ वाटर साइकिलिंग एंड रेनफॉल हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन अर्थ इकोसिस्टम. तो अर्थ के इकोसिस्टम में और भी रेनफॉल बहुत इफेक्ट डालते हैं. हाउएवर रेनफॉल एंड सरफेस रन ऑफ also play important role in the cycling of various elements. These include carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur. In particular, surface runoff helps move element from terrestrial, land-based or to aquatic ecosystem. सभी में ही cycle से minerals जो होते हैं वो भी हमको water cycle के through मिलते रहते हैं. और main क्या होता है water cycle में जो fresh water है वो 2.5% ही approximately है. ठीक है, और सॉल्ट वाटर 97.5%. तो जो फ्रेश वाटर है फ्रेश वाटर का भी फिर हम 2.5% में क्या किस तरह देखेंगे अप्रॉक्सिमेट 3% लो तो उसमें क्या होता है ग्लेशियर है परमानेंट स्नो कवर 68.9% है ग्राउंड वाटर क्या 30.8% और लेक्स एंड रिवर्स में 0.3% इस 2.5% का भी अगेन परसेंटेज निकाला हुआ है. तो इस तरह हम वाटर को यूज करते हैं
थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। वाटर इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बाद वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया देखना, दोनों को ही कोरिलेट करके देखना। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।